27 जुलाई को मुरादाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर 423 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर भारत किसान यूनियन ने उनकी मांगों को लेकर समर्थन दिया है और भारत के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर आलू सोयाबीन की तहरी का संयुक्त भोजन किया, समाज में भाईचारे का संदेश दिया। कलाम साहब के जीवन पर रोशनी डालते हुए कहा कि उनका जीवन शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा देता है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए प्रयास जारी रखें। उनका कथन था कि सपने पूरे करने के लिए जागना जरूरी है और सपने जो सोते हुए देखे जाते हैं वो पूरे नहीं होते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न थे और ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों और गरीबों के लिए लगा दिया। उनकी आखिरी सांस भी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रयास करते हुए रही। इस अवसर पर मुख्य रूप से उस्मान अली मुस्लिम चौधरी, मोहम्मद इलियास, सरदार गुरमीत सिंह, असलम पंचायती, धर्मेंद्र यादव, राजेंद्र वाल्मीकि, दानिश मलिक, फाजिल मलिक आदि लोग मौजूद रहे। देखिए आज जो है वो ऐसी क्रांतिकारी जगह पर मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर जो 423 दिन से धरना चल रहा है, उस धरने पर भारत किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आकर के अपना समर्थन दिया है, क्योंकि इनकी जायज मांग है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हर उस कमज़ोर मजलूम के साथ थे जो अपनी जायज आवाज़ को उठाते थे। उनका कहना था कि कभी भी सोते हुए सपने मत देखो, सपने वो कामयाब होते हैं जो जागते हुए देखो। आज हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 8वीं पुण्यतिथि पर ये यहाँ आकर के जो कार्यक्रम किया है, सबसे पहले हम अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में ज़्यादा से ज़्यादा आला मुकाम अता फरमाए। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हमारे भारत में लाखों करोड़ों एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो जो कि इस देश की सेवा करें। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, उन्होंने बच्चों के बीच में रह करके बच्चों को जो प्रेरणा दी है, जिनकी आखिरी सांस भी प्राइमरी स्कूल बच्चों के बीच में ली गई है। साथियों आज मैं यहाँ कलेक्ट्रेट पर भारत किसान यूनियन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी मजलूमों की, किसानों की, जवानों की, किसी की भी अगर जायज मांग होगी, हम उसके साथ भारत किसान यूनियन खड़ी रहेगी।